ये सब तपस्वी ने किया? गलती हो गई उससे। गलती हो गई या फिर गलती करवाई गई? आज के बाद मुझे ये लड़की इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की 24 एपिसोड में आप देखेंगे जन्नत नौमान को सीसीटीवी वीडियो दिखाती है जिसमें तबस्सुम नौमान के तकिए में तावीज रखती है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब तबस्सुम ने किया है। जन्नत उसे कहती है गलती हो गई है उससे, तो नौमान कहता है गलती हो गई या फिर जानबूझकर करवाया गया है। आज के बाद ये लड़की मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। तबस्सुम समझती है कि शायद फारूक की वजह से उसे जन्नत नौकरी से निकाल रही है। वो फारूक को ब्लेम करती है कि उसने आखिर किस बात का उससे बदला लिया है। वो फारूक से कहती है आखिर तुमने ऐसा क्या कहा है जन्नत जी को। सारा कसूर जबकि तबस्सुम का अपना होता है। अच्छी भली जन्नत जहाँ में ऐश कर रही थी, अब तबस्सुम जहाँ बनाने के चक्कर में जन्नत जहाँ से भी गई। अगली सुबह जब तबस्सुम जन्नत के घर काम पर आती है तो नौकर उसे बताता है कि मैडम ने कहा था आप छुट्टी पर हैं, इसलिए मैडम ने नई मेड भी मंगवा ली है। तो वो सीधा जन्नत के स्टूडियो चली जाती है। जन्नत अपने शो की तैयारी कर रही होती है और आज उसने फिर से भी काले इल्म वाले बाबा को भी बुलाया होता है। तबस्सुम जन्नत के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे बेख्याली में ये पता भी नहीं होता कि वही काले इल्म वाले बाबा भी वहाँ खड़े हैं। वो जन्नत से मुतवज्जा होती है और कहती है कि आपने किसी और मेड को रख लिया है। तो जन्नत कहती है तुम जाओ बार वेट करो, मैं आ रही हूँ तुमसे बात करती हूँ। वो जाने ही लगती है कि वो बाबा उसे कहता है मेरे तावीज का कुछ असर हुआ। तो जन्नत उस बाबा से पूछती है किसके लिए तावीज था। तो तबस्सुम परेशान हो जाती है, लगता है अब तबस्सुम का भांडा फूटने वाला है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मेरी वीडियो देखने से तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें, मगर इससे पहले सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मैं आइंदा आपकी सेहत का ख्याल रख सकूं।